क्या ये? ये मीठा मावा भैया। मीठा मावा? मीठा मावा। अच्छा, पहले से स्पेशल मीठा मावा है ये, आपको मेरे दुकान के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आपकी दुकान के अलावा कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि हम इसको इसम्बल हम ही बनाते हैं, मेरे हाथ से ही बना हुआ है। क्या क्या है इसमें? इसमें ये केसर बेस में बनता है, शहद से, शहद है, केसर है, इलायची है, गुलाब का अर्क है, खजूर है, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, और कच्चा नारियल है, फ्लेवर है, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, और मतलब बहुत सी आइटम है ऐसे जो सिर्फ फायदे के लिए बनी है। तंबाकू में कोई कुछ नहीं, इसमें तंबाकू कोई बेस नहीं है। ऐसा नहीं, ना खाने ना शौचालय के लिए जो खिलाइए चाहे किसी को खिलाएंगे, अच्छा करेगा, महीने भर चलेगा, खराब नहीं होगा। ये एक महीने तक आप पूरा आप इसको खिला सकते हैं। ये भी यही है? नहीं, ये लड्डू है। ये आप बनाते हैं कि? ये हम मेरे हाथ से बना हुआ, ये दोनों है। ये काय का लड्डू है? ये भी ड्राई फ्रूट का ही लड्डू है। अच्छा, और इसमें क्या क्या है? केसर बेस पर बना, सिर्फ केसर बेस पर बना हुआ, केसर बेस, सिर्फ केसर बेस बना हुआ। अच्छा, और ये सब क्या क्या है? अचार है, मुरब्बा हमारे यहाँ ये सब बनता है। अच्छा, तो मतलब ये मुझे जैसे अभी हम लोग हफ्ते से ही बैठ के तफरी कर रहे थे, तो लोग आपने बताया कि ये थोड़ा स्पेशल आइटम है आपका। पान के मामले में मैं स्पेशल, मेरे सिंगाड़ा पान, गुजिया पान, गिलोरी पान, शाही सिंगाड़ा, शाही गुजिया, शाही, मतलब लगभग 40 किलो पान लगता है हमारे यहाँ। शाही 40 फ्लेवर पान लगता है। पान लगाने के लिए भाई बाहर भी जाते हैं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, मुंबई, हमेशा जाते रहते हैं पान लगाने। पान लगाने, पान लगाने जाते रहते हैं पूरा हमेशा। यार हम, लेकिन सच बताएं, आपका नाम क्या भैया? विपिन चौरसिया। विपिन जी, हम सच बताएं, हम खुद बनारस के रहने वाले हैं, हेलीकॉप्टर भी ऐसा नहीं बोलते किसी का, तो हम खुद बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन हम पान की दुकान पे कभी ये नहीं देखे। आप आपको पूरे बनारस नहीं, पूरे पूर्वांचल में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कैसे बनाते हैं? आपको बना के दिखा सकता हूँ। ये पहले प्रोसेस बताइए आप। प्रोसेस है, तैयारी पहले आप कर रहे थे, आप क्या क्या तैयारी की है? पहले मैं इसको नारियल, कच्चा नारियल आता है, हाँ, फिर बुरादा नारियल आता है, हाँ, फिर खड़ा वो जो नारियल गोला वाला आता है, उसको हम लोग छोटा छोटा कटीज करते हैं, बादाम होता है, इलायची होता है, और काजू होता है, किशमिश होता है, खजूर होता है, छुआड़ा होता है, अखरोट होता है, केसर का अर्क होता है, गुलाब का अर्क होता है, केसर की रियल पत्ती होती है। कहाँ से आता है ये सब केसर का अर्क और केसर की पत्ती? सब मार्केट से खरीद के आता है हमारे। नहीं, कहाँ खेती कहाँ होती है? वो कश्मीर वाला, कश्मीर वाली केसर, ओरिजिनल कश्मीर केसर की बात कर रहा हूँ। अखरोट जो जम्मू कश्मीर मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपको। अच्छा, जो भी क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। अच्छा, उसमें हम समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि पान जितना आपको पान खाने में मजा नहीं आएगा, उतना हमको लगाने में आता। मेरा एक पैसा है, शौक है मेरा पान लगाने का। क्या क्या कब से है ये दुकान? क्या आप क्या करते थे, क्या कहानी है आपकी? शुरू से ही मैं पान लगाने के शौकीन हूँ। पिताजी मेरे पान लगने ही काम करते थे, लेकिन मुझे पान, पिताजी नहीं करते थे, पिताजी ये काम नहीं करते थे। कौन करता था घर में? कोई नहीं, घर में कोई नहीं करता। ये शुरुआत मैंने खुद की है अपने से। पढ़ाई लिखाई क्या हुई आपकी? ग्रेजुएशन नहीं हो पाई है, तो किसी दुकान चक्कर में हाई स्कूल में किया हूँ। अच्छा, और फिर दुकान शुरू की है खुद के? इतनी बड़ी शुरू की, गुमटी उमटी से शुरू किए थे? अच्छा, खुद से ही शुरू किया पान? खुद से शुरू किया मेरे पान लगाना। फिर लोगों को दस तरह का काम करना होता है, आप मतलब होता है ना, ट्रेडिशन आ रहा है। अब जैसे आप केशव पान वाले को दीजिए, तो उनके घर वाले भी बैठते हैं आप, है ना? नहीं, हम ये पान लगा है, लेकिन अच्छा, इसको पान की लाइन में कोई लोग नहीं ले आया है। ये जयपुर में पढ़ता है। अच्छा, इंटर में है ये, और लेकिन इसको पान से कोई मतलब नहीं, मैं खुद ये अकेले में काम करता हूँ। अच्छा, तो आप केसर का अर्क, गुलाब का अर्क, ओरिजिनल, और गुलाब की पत्ती, केसर की पत्ती, अखरोट, बादाम, हम जानो इसमें छुआड़ा, जो भी उनका सामान होता है आपको मैं दिखा देता हूँ बनाते हुए। हाँ हाँ, में पूरा, हाँ, वो आप देखेंगे तो पूरा चमक जाएगा पूरा इलाका। नहीं नहीं, एकदम एकदम देखना चाहते हैं तो तुम आप अगर अंदर आगे मोहन मंदिर शूट कर लो, मैं बाहर ही रहता हूँ। नहीं, आप भी अंदर, या तो मैं यहाँ बनाऊँ? आप बनाइए, मोहन मंदिर शूट कर लो, ठीक है? वहाँ से आइटम निकालते रहेंगे ना, तो तुम आइटमों पे भी नजर रख लोगे? ठीक, और अंदर आओ। हाँ, अरे चलते हुए जाओ, कट मारने के बड़े शौकीन हो तुम्हें। चलिए फिर अंदर मिलते हैं सिद्धांत जी। ये देखिए, ये देखिए नारियल है, ये नारियल है, ये शहद है। ओके, तो पहले नारियल में हम लोग शहद मिलाते हैं, ये पूरा नारियल में हम लोग पूरा शहद मिला दिए,
मोहन सवाल ही पूछते रह सकते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल, ये शहद हो गया। फिर शहद के बाद हम इसमें केसर का पत्ती मिलाते हैं क्योंकि ये फ्लेवर पूरा गरी उस शहद मिल जाए, इसलिए हम लोग इसको पहले ये प्रयोग करते हैं। ये देखिए केसर की ओरिजिनल पत्ती है, ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल पत्ती है, आप देख सकते हैं इसको आप। अच्छा, ये केसर की पत्ती पूरी मिल गई इसमें, ये केसर की पत्ती मिल गई। अब ये देखिए केसर का, ये केसर का, ये देखिए ये केसर का अर्क है, अर्क, हाँ ये अर्क है, ये केसर का ओरिजिनल अर्क है, ठीक। ये केसर का अर्क हो गया। ये देखिए पूरा गुलाब का अर्क है। ये कहाँ से लाते हैं गुलाब का? ये खत्री हमारे यहाँ बनारस के जो पूर्वांचल सबसे प्रसिद्ध है खत्री, ये उनके यहाँ से आता है सर। ये देखिए गुलाब का अर्क हो गया, ठीक, गुलाब का अर्क मिला। इसको फिर हम लोग, इसको पहले हम लोग मिलाते हैं। ये देखिए पिस्ता हो गया। सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं सब, आप देखते रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिस्ता हो गया, पहले हम लोग सब चीज़ मिलाने, पहले इसको मिला देते हैं हम लोग, इसको सब कर लेते हैं। माफ करिएगा लेकिन पता नहीं क्यों इसका रंग थोड़ा बिरयानी जैसा दिखने लगा। प्योर केसर है भैया, सिर्फ केसर है, वही रंग है ना, केसर का रंग आ रहा है। हाँ ये केसर ही है ये ना। अभी आप बनने तो दीजिए इसको पहले, आप केसर पीला हो जाता है ना रात में मिलने के बाद होता है। केसर का जो होता है वो येलो होता है, वो वाली महक है जो आपको महक आती है रात में। ये क्या चीज है? आती है एकदम नाक पे चढ़ के, मैं सूखी नारियल। अच्छा नारियल ही है, गरीब मुरादा इसे कहते हैं। ये हो गया आपका फ्लेवर भी मिल गया। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे काजू और बादाम, बादाम कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे काजू। अच्छा ये सब इतना आइटम जो तैयार कर रहे हैं आप कच्चा वाला, इससे कितना आपका ये मावा मिक्स बनेगा? आज तक पैसे के पीछे नहीं भागा। नहीं नहीं, कितना मावा मिक्स बनेगा? गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, हम पैसे के पीछे भागे नहीं। पैसा नहीं पूछ रहा हूँ। जी जी, कितना कितना मावा मिक्स बन पाएगा इतने में? ये बनेगा लगभग 30-40-50 बन जाएगा, 40-50 तो बनेगा। अच्छा ये हो गया आप ये। इसके बाद इसमें हम लोग जेली मिलाएंगे। अच्छा ये कौन सी जेली है? ओरिजिनल जेली आती है, ये इंदौर से आती है। अच्छा हाँ, यहाँ पे नहीं मिलती है ये, इंदौर से ऑनलाइन हम लोग मंगाते हैं इसको। अच्छा ये जेली हो गई। ये कब से डिश बना रहे हैं? हो गया 2 साल। 2 साल? हाँ, ऐसे मतलब शौक लगा कुछ सीखने का, तो पहले ऐसा बनता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बनते 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 माइंड से, अच्छा ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ऐसे करते करते हम लोगों को सीख मिला और पसंद, लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा, बिकने लगा, बिकता भी है काफ़ी। हाँ हाँ, ये देखिए ये अखरोट है, ये देखिए ओरिजिनल अखरोट है। अच्छा मैंने आपसे बताया पहले कि मैं एकदम समझौता नहीं करता क्वालिटी के साथ कोई। ये देखिए प्योर अखरोट है। अब उसके बाद ये फ्लेवर है, कौन सा फ्लेवर है? ये स्ट्रॉबेरी हो गया। अच्छा कोई खास फ्लेवर डालना होता है? कोई भी डाल सकते? नहीं नहीं, खास ही डाला जाता है, कोई भी नहीं डाल सकते हम, फ्लेवर तो हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन हम इसमें इसको हम लोग कई तरीके से बनाते हैं, कभी कॉकटेल बना देते हैं, कभी मैंगो फ्लेवर बना देते हैं, कभी मतलब अलग अलग फ्लेवर में हम इसको डिश दे सकते हैं। अच्छा देखिए ये मैं कॉकटेल बना रहा हूँ। अच्छा मैं अलग अलग फ्लेवर बना सकता हूँ, लेकिन इसको मैं ये आपके लिए मैं खासतौर बना रहा हूँ कॉकटेल आपको देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मैंगो हो गया, ये पाइनएप्पल जी भैया, ये हो गया आपका कॉकटेल फ्लेवर, 3-4 फ्लेवर का मिक्स हो गया। ये मिक्स हो गया, प्रियांशु जी इसमें जेली और मिलाइए तो जेली। ये मतलब आप एकदम फाइनल तैयार है ये?
अभी इसमें इलायची का अर्क ओरिजिनल पीसा हुआ हम लोग रखे हैं। अच्छा, वो यूज करेंगे पहले ऊपर से। जेली कम पड़ गई इसमें जी। अच्छा, जैसे होली आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है गुजिया तैयार है। नहीं, होली पे ना या फागुन में ये सब आइटम बना, तुमको पता है तुम्हारे तरफ कितना है, लेकिन बनारस में फागुन में ये सब आइटम बहुत तेज खींचता है, लोग खाता है और अन्य कई तरह की चीजों के साथ मिला मिला के वो लोग खाने लगते हैं दुनिया भर का। वो मैं क्या बताऊं कैमरे पे, मतलब अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा कैसे होता है ना, कुछ बनता है थोड़ा थोड़ा खाते 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 मेरा मन कर रहा है जली ले लूं, काजू ले लूं, बादाम ले लूं, गुजिया बनाता है उसका, गुजिया का बेकर बढ़ाते थे। फिर सामने बात पड़ती है, सब तुम ही खा लोगे तो बनाएंगे क्या? तो बेटा मैं घर में मम्मी लोग कहती है लो हम ही को खा जाओ। खोल दे खोल दे। इस पे आपने देखा जो भी है उसमें एक भी आइटम ऐसा नहीं जो नुकसान करे, कुछ भी ऐसा नहीं। ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। और मैं मतलब ये मेमो इसकी जो महक है जी, मैं उसको तो नोटिस कर ही पा रहा हूँ कि जेली की, केसर की और जो आपने जो फ्लेवर डाले हैं उसकी महक है। मतलब एक बार ऐसी महक होती है जो नाक पे नहीं महकती है। नहीं, मैं आपसे क्या बोले, वो मतलब यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे महकती है, कोई महक होती है ना महक चढ़ती है। बोला पहले जो वाली बेस है वो ओरिजिनल बेस पे बनाया हुआ है। इलायची इलायची पाउडर है। हाँ, एकदम ओरिजिनल घर पे पीसा हुआ है, ये घर पे पीसा हुआ इलायची है। अब ये पानी बहुत तो पड़ा नहीं है, एक भी तो खराब होने कोई प्रश्न नहीं उठता है। और हाथ लगाए उससे? नहीं, कोई नहीं है एकदम पूरा। आप, मैं अंदर गया, आपने देखा मैं अंदर गया, पूरा साफ सफाई हैंड वॉश करके तब आया हूँ। खराब होने का चांस कोई चांस नहीं है एकदम। कितने दिन चल सकता है ऐसा? ये मैं तो 20-25 दिन रख चुका हूँ इसको, चलता है बिंदास चलता है, खिंच भी जाता होते में। मतलब खत्म तो वही जाते, दो चार दिन बनता रहता है, ऐसे नहीं है हमारे, दो तीन दिन बनता रहता है। ऐसे आज बना दो तीन दिन बन जाएगा। बनाते आप ही हैं? मैं ही बनाता हूँ, और कोई नहीं बनाता। तो ये लगभग तैयार है अब क्या? हाँ, लगभग तैयार है सर। अब क्या मिलाना बचा है इसमें? अब कुछ नहीं मिलाना, सब तैयार रखकर रखते हैं हम लोग ना, पहले से रेडी रहता है। हाँ। बस तो मुझे अच्छा, एक चीज है थोड़ा सा ऐसे ही नहीं, एक चीज है अभी बचा हुआ जो उसमें। हाँ, अभी इसमें मुझे गुलाब का गुलकंद मिलाना है। गुलकंद जो आता है जी, जी। हाँ। आप ऐसे खा सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, बहुत मीठा हो जाएगा। अब खा के कौन जी आप भी लीजिए। हाँ, एक मिनट। कैसा लग रहा है? अगर कान वन बंद हो आपका कभी, या ये तो बंद हो, इतना ज़्यादा मेवा, इतना एसेंशियल जो चीज़ें हैं ना, ये सब ना ओपन हो जा रहा है। बहुत मीठा, बहुत ज़्यादा रवादार, मुँह में बार बार घुलने वाला, ऐसा भी नहीं है ना। नहीं, कोई खाओ तो आप मुँह में चिपकता है ना, ना कुछ निकल जाए, मिठाई के रूप में आप इसको आप यूज कर सकते हैं। एकदम मुँह में जाके बहुत फ्रेशनर की तरह से बना है। खाने के बाद तो हमारे यहाँ लोग ले जाते हैं, देते हैं डिस्ट में। खाने के बाद सिर्फ गेस्ट आते हैं तो मेरे ले जाते हैं, खाने के बाद एक टो रख देते हैं। अच्छा। हाँ, ये इंच का ये प्रथा यहाँ पे चला है। खाने के बाद मीठा मावा ले खिला देंगे, मेरा विपिन का मावा ले खिला देंगे। उस तरीके से ज्यादा बिकता है ये। कैसा लग रहा है? सर आपको देता हूँ प्लेट पे, आराम से बने, बना लीजिए मेरे हिस्से का, लीजिए थोड़ा सा टेस्ट। मैं तो व्यूअर्स को खिला रहा हूँ ना, आप भी चेक कर सकते हैं। लालच में पड़ गया आपसे? लालच नहीं, आपके लिए बनाया है, मुझे बहुत खुशी है। अरे ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इसमें कुछ कोई कमी? अरे हम है क्या, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। आप भी बता रहे थे गुलगंद कम है, मतलब मुझे तो मेरे तो परफेक्ट है। आपने बोला कि मीठा ठीक है, आप डाल देंगे तो मीठा ज्यादा हो जाएगा। क्या डाल देंगे? तो गुलकंद डाल देंगे, मीठा ज्यादा हो जाएगा। और गुलकंद काफी तेज भी होता है, गुलकंद काफी तेज लगता है। गुलकंद पता है कि नहीं क्या होता है? ये हिला रहे हो, गुलकंद बताओ क्या होता है। मैं पान जब खा रहा था अभी, नहीं तो मुंडी हिला रहे हो, बताओ गुलकंद क्या होता है। वही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, आप छोड़ो वो सब, बता रहा हूँ तुम गुलकंद बताओ पहले क्या होता है। पान खाया था तो मैंने इनको यही मना किया था कि वो जो मीठा वाला होता है ना खुशा, वो मत डालना, वो बहुत मीठा कर देता है। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, तो होता क्या गुलकंद तुम ये बताओ। गुलकंद जो होता है वो गुलाब की पत्ती से बनता है, सिर्फ गुलाब पत्ती, उसको सूखा करके ड्राई करके फिर उबाल करके उसको फिर चीनी के अर्क मिला के उसको बनाया जाता है गुलकंद। मेरी नींद खुल गई। गुलकंद तुम एक चम्मच खा लोगे ना, माथा भरना आ जाएगा।
उसको इतना ही इतना पान में इतना ही सपड़ता है वो पेट में ठंडक कर देता है वो। अरे सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आइए मैं बाहर आता हूँ, बाहर से देख लेता हूँ। तो मतलब उसके बाद आप इसमें लेकर आते हैं? हाँ, इसमें ये पान अलग अलग है, पान का फ्लेवर, पान का मीठा मावा अलग बनता है। ये मीठा मावा खाने के लिए होता है। हाँ। लेकिन जो पान में हम लोग डालते हैं, मीठा पान पान बनाते हैं, उसका मावा अलग बनाते हैं हम लोग। ये पान में पड़ेगा कि ऐसे ही खाएंगे? नहीं, ये ऐसे खाते हैं, ये ऐसे ही खाया जाता है। ये जो मावा हमने आपको बना के दिखाया है, ये ऐसे खाते हैं। ये वही वाला है? हाँ, ये वही वाला है। तो ये आपका थोड़ा थोड़ा भुरभुरा था, ये थोड़ा सा गीला लग रहा है मुझे हल्का सा देखने में। क्या हुआ? आपने जो मुझे खिलाया है ये हल्का सा भुरभुरा। हाँ, तो ये फ्लेवर चेंज है, वो फ्लेवर वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, वो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा पैसे बचत करने के लिए कुछ आइटम ज्यादा मिलाते हैं, फिर वो कम कर देते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे आपको खिलाना, इसलिए मैंने उसको अलग तरीके से बनाया है। अरे सर, तो कौन कौन से फ्लेवर है? ये बच्चा बता रहा था अभी, ये पान है, ये पान है, ये पान है, स्ट्रॉबेरी पान है, पाइनएप्पल है, ये मैंगो है, और बटरस्कॉच है। इस तरीके से बहुत से पान है हमारे यहाँ। कौन सा सबसे अधिक बिकता है आपका फ्लेवर? पान देखिए, हमारे यहाँ सब ये लिखा हुआ पीछे, पूरा पान लिखा हुआ, जर्दा पान ने, मीठा पान ने, सच्चे जर्दा वर्दा पान। देखिएगा आप लोग इस पे फोकस कीजिए। शाही स्पेशल काजू कतली, शाही गुजिया, शाही सिंघाड़ा, शाही गिलोरी, मेढ़ा नवरत्न मीट, बनारसी मीठा, स्टार मीठा, वीआईपी मीठा, सबसे अच्छा। देखिए मैं ना मेरे हाथ के लोग माउथ पेशन भी पान खाते हैं, सादा होता है। एक बात बताइए, सौंफ, नारियल, केसर, इलायची, ये वाला या तो मीठापन मेरा बहुत बिकता है। एक बात बताइए, एकदम अब उस पे आते हैं अर्थशास्त्र में, ये कितने का बिकता है ये मीठा मावा जो होता है आपका, ये कितने का बिकता है? ये जो बनाता वो नहीं, ये जो हमने बनाया है 20 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, इस तरीके। सबसे महंगा वाला कितने का है? महंगा नहीं, 100 रुपए तो हम लोग उसको छोटा, हम लोग छोटा बनाते हैं ना। हाँ हाँ, कम लोग कम पैसे में लोग को पहुँच जाए, 20 रुपए में मिल जाए उन लोग को। अच्छा, ये नहीं कि बहुत पैसे वालों के लिए ये बनाया जाए अलग से। अच्छा, कम पैसे भी 20 रुपए नहीं है तो भी आप लेके जाइए, 40 रुपए तो भी लेके जाइए, तो उसका एक साइज हम लोग डब्बे अलग बना देते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं आऊँ ये वाला लेने, लेकिन जी मुझे कितने का है? 40 रुपए का। ये 40 रुपए का है, और 40 रुपए में एक बार आदमी एक 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 मीठा बना लेगा, एक बाइट वो एक पूरा इंजॉय कर सकता है। और इसके स्वाद में उसके साथ जो कोई अंतर है, मैं टेस्ट कर सकता हूँ? एकदम श्योर आप? हाँ, चम्मच दे। कौन सा टेस्ट करूँ आप ही बता दीजिए इसमें से। आप कोई भी टेस्ट करिए, आप बताइए, आप कोई दूसरा फ्लेवर टाइप करो। नहीं नहीं, आप यही टेस्ट करें। ये यही टेस्ट करें? ये तो वही फ्लेवर होगा जो अभी खाया। नहीं नहीं नहीं, फ्लेवर वही है। हाँ। लेकिन इसमें वो आइटम बहुत ज्यादा है, आप खाएंगे खुद बताएंगे आप। देखते हैं खाके। अच्छा, इसमें चांदी का वर्क भी पड़ा हुआ है? हाँ। अरे उसमें भी पड़ेगा। अच्छा, उसमें चांदी का वर्क, केसर, पत्ती सब वो अलग से, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा जो आपको मैंने खिलाया है। अच्छा, आपके लिए बनाया है जो। थैंक यू सर, ये भी अच्छा है। मतलब आपको ये ड्राई फ्रूट वगैरह एविडेंटली दिख रहा है, गरीब बुरादा, शहद, और ये क्या है? जेली है ना? जेली। और ये क्या है लाल वाला? लाल, ये लाल लाल की है, जेली है, दोनों जेली है। इसका स्वाद जो है ना, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। मतलब इंटेंस क्यों? क्योंकि उसमें गुलकंद भी मिला हुआ है। ये गुलकंद मिला हुआ है जो हमने अंदर चखा, वो नॉन गुलकंद था। अब सुन लीजिए कहानी, ये भी नॉन गुलकंद है, शुगर फ्री है। ये भी नॉन गुलकंद है, शुगर फ्री है। हाँ, जो शुगर वाले होते हैं उनके लिए है। अब गुलकंद की अगर आपको मिठास समझनी हो, जिस पे मोहन जी को मैं भी ट्रोल कर रहा था, गुलकंद की मिठास ऐसी होती है जैसे आप किसी गुलाब के बाग में बैठे हुए हैं, गुलाब के बाग में बैठे हैं, हरी हरी सी घास है, और आप जिसे सबसे अधिक प्रेम करते हो, आपको उसके आपका उसका दीदार हो जाए, गुलकंद का स्वाद वैसा होता है। फिर गाना गाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं नहीं, वो तुम्हारा प्रेरोगेटिव है। तो पिंडरा बना से कितना दूर अभी आप? पिंडरा 20 किलोमीटर। बनारस से पिंडरा जब आए तो पिंडरा बाजार में चौरसिया पान पैलेस है, विपिन चौरसिया इसके प्रोप्राइटर हैं, सामने भैया बैठे हुए हैं, चेहरा मिल रहा होगा फोटो से। और भैया की कहानी ये भी है कि इस दुकान पे मनोज तिवारी जो सांसद हैं, हाँ वो आ चुके हैं, कई कई बार आए हैं। रवि किशन जब जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे, तो वो चुनाव लड़ रहे थे जौनपुर से, कांग्रेस के टिकट पे ना, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते थे, और जौनपुर बहुत दूर है नहीं,
जौनपुर से यहाँ आते थे पान बनवाने के लिए। अमिताभ बच्चन भी आए हैं, कौन सा पान? एयरपोर्ट पे आए थे तो हम इनको पान लेके गए थे, वहाँ पे लिए थे। अमिताभ बच्चन जी हुए, सनी देओल जी हुए, ये लोग मैं खुद हम गोविंदा जी हुए दुकान पे आके पान खाए गए। गोविंदा हाँ एकदम जर्दा कौन कौन खाता है, कौन कौन एक्टर ज्यादा खाता है? किशन जी जर्दा पान बहुत तगड़ा वाला खाते हैं। जर्दा तगड़ा खाते हैं? तगड़ा वाला जर्दा खाते हैं। मनोज तिवारी सादा पान खाते हैं, वो सादा मीठा भी नहीं खाते, वो सादा बच्चे में सादा पान खाते। रवि किशन तगड़ा जर्दा खाते, बहुत तगड़ा जर्दा खाते। और जर्दा वर्दा जो है थोड़ा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। कौन सा पान है? ये गुजिया पान है, जर्दा गुजिया है ये। गुजिया पान जी, ये गुजिया पान हमारे यहाँ लगता है सैंपल में, डेली का ऐसे दिन भर लगता रहता है वो गुजिया। चौरसिया पान पहले खाइएगा, प्रेफरेंसेस बहुत सारी हैं हमारे तरह से। यहाँ का मीठा मावा जरूर बढ़ा लीजिएगा, बता दीजिएगा कि लल्लन टॉप पे देखें ना, तो थोड़ा सा भैया को खुशी भी होगी, बहुत ज्यादा इतना, इतना समय देने को, हमको भी खुशी होगी। मैं आपसे मिल के बहुत खुशी हुई। अरे सर हम लोग को खुशी हुई, नहीं हमें मिल के बहुत खुशी। मुझे मेरा, मैं अपने आप को कोस भी रहा हूं कि मैं खुद बनारस में रहने वाला हूं, मैं इतना इन चीजों का दर्शन नहीं कर पाया कभी आज तक। क्या पसंद आया? मुझे इसमें दो चीज का स्वाद बहुत अच्छा लगा, जो मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है, पहला गरी अंदर खाया उसमें ना अखरोट भी पड़ा हुआ था। अखरोट गरी टुकड़ा, गरी बुरादा, गरी मतलब नारियल, गरी टुकड़ा, गरी बुरादा, ये सब ना मुंह में ना एकदम जैसे आपको मुंह में चिपकने कैरेमल जाता था, किसमी बारह भी तुम खा रहे थे उसके बाद दांत चिपकाता, एक्लेयर दांत चिपकाता है, वो नहीं है। बुरादा बुरा ना घोल देता है उसको मुंह में, ग्राइंडर में जैसे आप कभी कुछ डालते हो प्लेट टाइप का, वो पीसने काम करता है, तो वैसा स्वाद है। और जेली भी है, फ्रूट्स भी है, तमाम चीज़ें हैं, तो मामला जबरदस्त है, कोई मिला जुला। तो आप ललन टॉप यूपी देख, हाँ कई बार डालते भी हो। हाँ हाँ वही बता रहे थे। इस भोज पे अपनी राय दीजिएगा। चौरसिया पान पैलेस पिंडरा वाराणसी, 4 से 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे आइएगा जरूर। जो भी खाते हो खाइएगा, इस पे जरूर ट्राई मारिएगा एक बार। जो हमारे हाँ जो पैक कर रहे हैं भैया, हाँ हम अपने ललन टॉप के साथियों को भी खिलाएंगे। नहीं नहीं वो नहीं बताना है किसी को, हम लोग को मिला ऐसा बताना नहीं है, ये भ्रष्टाचार है हम लोग का। अगले 2 दिनों तक ये भ्रष्टाचार करना है मुझे और तुम्हें कि किसी को बताना ही नहीं है कि हम लोग को ऐसा मिला है। तो ललन टॉप यूपी देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया।